हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? बच्चों कैसे हैं आप? सब कुछ तो ठीक है सर? हाँ जी सर, हम बिल्कुल ठीक है। पिछली क्लास में जो बातें समझाई थी समझ में आया था सर? हाँ जी, बहुत आराम से समझ में आया था, कुछ बड़ी बात आपने की ही नहीं थी। आपने तो एक फॉर्मेट दिखा दिया था, उस फॉर्मेट में आपने कहा था कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हाँ बच्चे, वही काम किया था। वो देखो, वही फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, कोई नया चीज़ तो है नहीं। वही आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें प्रॉफिट का यहाँ पर डिवीजन होगा। सर आज बताओ, आज हम क्या करेंगे? आज बच्चे मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत झगड़े करने हैं, बहुत झगड़े, इतने झगड़े कि मैं क्या बताऊं। और मुझे पता है कि आप बिल्कुल उतारू हो कि सर झगड़े मैं भी करने को तैयार हूं। हाँ बच्चे, लेकिन हम और आप हाथ से झगड़े नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट से झगड़ा करना है। मैं जहां पे आपका कॉन्सेप्ट सही है वहां पे ठीक बोलूंगा, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट गलत या फिर कुछ नहीं जानते मैं उसको सुधारूंगा, उसको सही करूंगा, उसको और आगे बढ़ाऊंगा। और फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम ऐसे लाइक बनेंगे क्वेश्चन के प्रैक्टिस में एंट्री कर जाए। तो आइए जरा मैं शुरू करता हूं कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ, जो हमने पिछली क्लास में क्लास एंड किया था उसके आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब बोलूं लिखना है तो आपको लिखना शुरू कर देना है, जब बोलूं रुक जाओ तो आपको रुक जाना, ठीक है ना सर? हाँ जी सर। लो मैं फिर आपको मैं आज आगे बढ़ाता हूँ। ये फॉर्मेट जो अभी मिटा रहा हूँ ये तो ऑलरेडी आपके पास है ही, ये कोई नई बात थोड़े, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आज क्लास को आगे बढ़ाता हूँ बच्चे, आगे बढ़ाता हूँ। देखो आज हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे डिस्कशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ डिस्कशन, डिस्कशन ऑफ सम टिपिकल कॉन्सेप्ट, टिपिकल कह दो या कह दो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मैं आपके साथ यहां पर डिस्कशन करूंगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। तो सर कौन सी ऐसी बातें होगी, आइए मैं आपको समझाऊं। मेरे पास समझाने के दो तरीके, या तो मैं आपको रटा दूं या फिर आपको समझा दूं। मैं रटने रटाने में विश्वास नहीं करता बच्चे, मैं समझाने में विश्वास करता हूं। तो आइए मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, मैं कुछ यहां पर दिखाता हूं, आप मेरे साथ लिखिए। देखो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आप एक बनाएंगे मेरे साथ, बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा नहीं। आप एक काम करो इस अच्छा आप कोशिश करना कि एक ही पेज पे बनाना है मतलब आप बिल्कुल फ्रेश पेज ले रहे हैं बच्चे, और आपका जो फ्रेश पेज है उसका जो आधा पेज होगा, आधा पेज आप वहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। सर आपने पिछली क्लास में कहा था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो तो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया बच्चे, हमने पढ़ लिया सर, फिर क्यों करा रहे हो? हाँ बच्चे हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पिछले साल पढ़ लिया 11th क्लास में, उसका डिस्कशन नहीं करूंगा, आप चिंता ना करो। लेकिन मुझे कुछ समझाना है, मैंने कहा था ना मुझे कुछ समझाना है। तो ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एक मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, ये तो आपको पढ़ना है ना सर? हाँ सर, ये तो हमें पढ़ना है। तो ये हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने आपके लिए बनाया। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है आपको पता चल चुका होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा साफ साफ लिखने के लिए, पूरी कोशिश करूंगा। आप प्लीज़ मुझ पर हंसना नहीं कि सर आप कितने गंदा लिखते हो, क्या करूँ बच्चे, मैंने बचपन में ध्यान ही नहीं दिया हैंडराइटिंग के ऊपर में। पापा मम्मा सर बोलते थे कि आप ड्राइंग करो, ड्राइंग मुझे आता ही नहीं था, मैं क्या करूँ। जब एग्जाम में आता था कि लड़का बनाओ जी लड़का, तो देखो मैं लड़का कैसे बनाता था, ये लिखता था बी ओ वाई, बॉय फॉर क्या होता है सर, लड़का होता है। तो देखो मैं क्या कर देता था, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ये बाल बना दिया, ये आंखें बना दी, ये ना क्या बोलते नाक बना दिया, मुंह बना दिया, ये उसका शरीर बना दिया, और लड़का मेरा कंप्लीट हो गया, यही मैं करता था। अब बताओ क्या करूँ, हैंडराइटिंग मेरी ठीक कैसे होगी जब इस तरीके से लड़का बनाऊंगा, तो लड़के लड़कियां तो आपके जैसे होते हैं बट वो मुझे आता नहीं बनाने के लिए। अच्छा सर चलो छोड़ो कोई बात है, लेकिन सर आपकी कलाकारी अच्छी है, आपने बॉय से लड़का बना दिया सर, लेकिन छोड़ो ना इसे क्या होगा जरा बताओ, इसे हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक हो जाएगी, हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक हो जाएगी। चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ, आओ जरा, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दो अकाउंट मैंने बनाया, बात समझ में आ रही है सर? हाँ। अब मैं कुछ नाम लिखूंगा, आपको मुझे बताना है कि वो नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस इनकम आते हैं, एक साल में बिजनेस में जो भी आप एक्सपेंस करते हो, इनकम करते हो, उसकी यहां रिकॉर्डिंग होती है।
लेकिन जो प्रॉफिट आपने यहां से निकाला, ये जो आपने प्रॉफिट निकाला, लिख रहा हूं मैं नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है जी, ये प्रॉफिट हम यहां लेकर आते हैं बच्चे, बाय नेट प्रॉफिट हम यहां प्रॉफिट लेकर आते हैं, और फिर इस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं, एप्रोप्रिएशन डिविजन करते हैं। आपको याद होगा मैंने एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था कि प्रॉफिट का अमाउंट जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं बच्चे, वहां प्रॉफिट को हमें उनके बीच में डिवाइड करना होता है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हम लोग क्या करेंगे यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, तो आओ जरा पहले मैं आपको बताऊं, कुछ यहां पे नोट लिखाऊंगा। आप एक काम करना, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया है इसके नीचे, मेरे पास जगह नहीं है बच्चे मैं यहां लिखूंगा, लेकिन आप इसके नीचे एक नोट लिखिए, लिखिए मेरे साथ यहां पे नोट नंबर वन, नोट नंबर वन लिखेंगे, लिखना इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखिए मेरे साथ यहां पे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉमा ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, इनकम आर शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर एंड इनकम आर शोन टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, ये तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को पता करने के लिए आप यहाँ पे अपने इनकम को दिखाते हैं, आप यहाँ पे एक्सपेंस को दिखाते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट निकल जाता है। हाँ बच्चे, लिखो यहां पे नोट नंबर टू, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट डेबिट का मतलब होता है इस साइड लिखना आपका, वी डेबिट ऑल पेमेंट या वी डेबिट एप्रोप्रिएशन ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन कह दो या कह दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट जी, तो ऑफ नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट निकल के आया है, ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। मेरे बच्चे इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट एप्रोप्रिएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। लिखेंगे नंबर थ्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स आर मेड फॉर प्रोवाइडिंग capital and for rendering services to the firm। आप मेरी बात को समझो। मैंने कहा distribution of profit to partners are made for providing capital। बताओ प्रॉफिट हम पार्टनर्स को क्यों देते हैं, क्यों प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल दिया है बच्चे, कैपिटल बिजनेस में उन्होंने पैसे लगाए, और बिजनेस में अगर आपने कोई पैसा लगाया है तो उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना बच्चे, मिलेगा ना सर? हाँ, इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो आपने कहा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं क्योंकि पार्टनर्स ने कैपिटल दिया और कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते। यही नहीं, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द फर्म,
वो अपने सर्विसेज भी रेंडर करते हैं फर्म को। अब देखो ना, वो एक एम्प्लॉय को मैंने कहा था कि आप अपने पार्टनर्स को सैलरी पे करते हो, आप पार्टनर्स को कमीशन पे करते हो, आप प्रॉफिट में से उनको शेयर देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि वो काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए। अगर वो बिजनेस के लिए काम करेंगे तो उनको हमें सैलरी देना ही पड़ेगा, उनको कमीशन देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट उनको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्यों काम करेगा। तो आपने क्या किया, जो उनका कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट पे करना बचे, या फिर जो सर्विसेज उन्होंने रेंडर करनी है, जो काम उन्होंने करना है बिजनेस में, किसने, पार्टनर ने, बार बार कह रहा हूं पार्टनर ने, पार्टनर की बात किया था, उसके बदले में क्या करते हैं, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बात समझ आ रही सर? हाँ। तो ये तीन आपका यहाँ पर निकल गया, ये बात आपका ध्यान रखना होगा। मैं इन्हीं नोट से लेकर यहाँ पर कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। तो एक काम करो, अब एक आप लिखो मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल जब लिखूंगा ना तो उसका जो नाम लिखूंगा आपको मुझे बताना कि वो नाम यहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस में कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। लिखिए जरा एग्जाम्पल आपका, स्टेट फॉलोइंग फॉलोइंग आइटम्स फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बताना है कि जो चीजें मैं बोलने वाला हूं, जो नाम लिखने वाला हूं, आपके मुताबिक वो नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और रटना नहीं बचे। मुझे पता है कि आप सबको जानते हो, बस मुझे बता देना। यहां लिखो आप जरा नंबर वन पहला, या ए कर दो आप, ए। मैं कहता हूं जरा बताओ, अगर क्वेश्चन कहता है कि आपने यहां पे सपोजर क्या लिखो, जरा बताओ पहला नाम आपका। मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे करना ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? सर इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, ए लिख देता हूँ एक नाम के साथ, कि जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका यहाँ पे जाएगा। आपको याद होगा आपने आधा पेज जगह इसके लिए छोड़ा है, आधा पेज जगह इसके लिए छोड़ा है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो आपके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज वो कहाँ जाएंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ आ रही सर? हाँ, क्योंकि ये एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है। अच्छा, मैं अगला नाम पूछता हूँ, जरा देखता हूँ क्या बता पाते हैं। मुझे बताओ जरा, अगर मैं कहता हूं एडवर्टीजमेंट, आप बताइए जो एडवर्टीजमेंट आपने कराया वो कहां जाएगा? आप बताओ एडवर्टीजमेंट क्या पार्टनर्स को दिया जा रहा है या फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? सर आपको क्या हो गया, ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो? ये तो हमें पता सर एक्सपेंस होता है, और जो एडवर्टीजमेंट है वो भी कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये लो, मैं आप ही की बात मानता हूं कि जो मैंने एडवर्टीजमेंट आपसे पूछा उसको भी क्या बोला आपने, ये भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ। तीसरा सवाल मुझे बताओ ना कि अगर मैं कह दूँ, जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, यानी कि पार्टनर ने जो कैपिटल दिया है उस कैपिटल पर अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो कहाँ जाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा सर। सर ये तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्यों? अभी तो लिखा था प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर को, क्यों होता है जी, उनका जो कैपिटल है उस पे, उसके चलते मिलता है। तो कैपिटल पे हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। अरे कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं ना सर। हाँ, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो पार्टनर्स को मिल रहा है, और पार्टनर को क्यों मिल रहा है आपका, क्योंकि उनके कैपिटल के ऊपर मिल रहा है बच्चे। याद रखना, पार्टनर को मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो पार्टनर को दिया जा रहा है और उनके कैपिटल के बदले में या उनके मेहनत के बदले में, तो ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा सर। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल में मिल रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, जो पॉइंट नंबर सी लिखा वो सॉल्यूशन चला गया यहां पे आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका होगा वो यहां चला जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, ये निकल के आया। अच्छा, मैं अगला सवाल पूछता हूं, नंबर डी जरा बताना। नंबर डी, अगर कहता है कि मान लो हमने कमीशन पे किया, और कमीशन पे किया जी टू मैनेजर को कमीशन पे किया बच्चे। एक और लिखता हूं नंबर ई, साथ ही साथ कहता है कि कमीशन हमने पे किया, लेकिन कमीशन पे किया आपने पार्टनर को, आप मुझे बताओ
कि जो कमीशन हमने मैनेजर को पे किया वो कमीशन आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? जरा बताओ सर, ये क्या पूछ दिया आपने, क्यों, क्या हुआ? अरे आप मुझे बताओ, मैनेजर क्या पार्टनर होते हैं बच्चे? मैनेजर पार्टनर होते हैं कि इंप्लॉय होते हैं? सर वो तो इंप्लॉय होते हैं, वो तो इंप्लॉय होते हैं। तो फिर सोच क्यों रहे हो? अरे सोचना क्या है, इंप्लॉय को जो भी कुछ हम पे करें वो तो हमारा एक्सपेंस है, वो तो एक्सपेंस है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे, सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, सब कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्यों सोच रहे हो आप, क्यों? तो आप देखो, कमीशन जो पे किया मैनेजर को हमारा क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस कहा जाएगा, वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चे। तो मैं लिख देता हूँ सी में कि हमने जो कमीशन पे किया है, हमने जो कमीशन पे किया है वो कमीशन टू मैनेजर, जो हमने मैनेजर को कमीशन पे किया है वो कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बात समझ में आ रही है सर? हाँ। लेकिन मेरे बच्चे आप मुझे बताओ, अगर कमीशन हमने पार्टनर को पे किया है, पार्टनर को, तो बताओ कमीशन जो पार्टनर को पे करूंगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? जो कमीशन मैं पार्टनर को पे कर रहा हूँ वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यानी कि एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करेंगे? आप बताओ, आप बताओ। मैं नहीं बताने वाला, मैंने तो आपको हिंट दे दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्टनर को क्यों होता है जी, उनके कैपिटल के बदले में, और साथ ही साथ जो सर्विसेज यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में देना। तो पार्टनर्स को अगर उनके सर्विसेज के बदले में या फिर कैपिटल के बदले में कुछ भी पे किया जाएगा तो वो आपका आएगा यहाँ पे जी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जवाब मिल गया बच्चे? मैंने नहीं कहा, आपने बताया मुझे, आपने खुद कहा कि सर जो कमीशन पार्टनर को पे किया जा रहा है ये तो पार्टनर को दे रहे हैं और उनके सर्विसेज यानी कि उनके मेहनत के बदले में। और मेरे बच्चे कुछ भी मेहनत को, अगर कुछ भी पार्टनर को मिलेगा उनके मेहनत के बदले में तो आप उसको अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने कमीशन जो यहाँ पे किया, कमीशन जो पे किया आपने, कमीशन टू पार्टनर आपने क्या क्या यहाँ रिकॉर्ड किया, आप समझिए मेरी बात। अगर मैनेजर को कमीशन पे किया तो यहाँ चला जाएगा, पार्टनर को पे किया तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं उनको जब भी कुछ दिया जाएगा, जब भी कुछ दिया जाएगा, और हाँ ध्यान रहे, उनके कैपिटल के बदले में या फिर उनके सर्विसेज के बदले में, तो कहाँ जाएगा जी आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आ गई सर? हाँ। आगे सर, आगे आगे बताओ सर, आगे क्या पूछना चाहते हो? लो मैं फिर एक पॉइंट और डालता हूँ, एफ पॉइंट आपका, एफ। मुझे बताओ अगर हमने सैलरी पे किया है, सैलरी टू मैनेजर, एक मैनेजर है और उस मैनेजर को मैंने सैलरी पे किया जी, या फिर अगला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सैलरी हमने पे किया है, सैलरी पे किया लेकिन मैनेजर को नहीं, पार्टनर को, पार्टनर को, तो जरा बताओ आप यहाँ पे क्या करोगे? सैलरी पे किया मैनेजर को या सैलरी पे किया पार्टनर को, तो जरा बताओ क्या करेंगे जी? मुझे पता है कि मैं जब आप बताने वाला हूँ उसके पहले आप कर चुके हैं। मैनेजर हमारा इंप्लॉय होता है, मैनेजर जो हमारा है बच्चे वो इम्प्लॉय होता है, हमारे अंडर काम करता है, हमारा पार्टनर नहीं होता, वो मालिक नहीं होता। तो मैनेजर को जो सैलरी पे करूंगा यहाँ लिखूंगा, लिखे जरा एफ पॉइंट यहाँ चला गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ सैलरी जो हम पे करते हैं, सैलरी टू मैनेजर, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आप कहना कि जो मैनेजर को सैलरी पे किया जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन जी पॉइंट बच्चे जी, अगर हम सैलरी पे करते हैं, अगर हम सैलरी पे करते हैं और वो अगर हम पे करते हैं पार्टनर को, अगर हम पे करते हैं पार्टनर को, तो जरा बताओ कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? फिर वो रिकॉर्ड किया जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप समझो ना, आपको कितना अच्छा लग रहा है, हमने कहा कि देखो जी सैलरी पे किया मैनेजर को तो आपने यहाँ रिकॉर्ड किया, सैलरी पे किया पार्टनर को तो आपने यहाँ रिकॉर्ड किया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, आ रही सर बात समझ में। आप आगे बोलो, आगे बोलो सर, क्या बोलना चाहते हो? अब तो जो पूछना सर पूछ लो, मैं बताने को तैयार हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं अगले दो तीन पॉइंट को पूछता हूँ, जरा देखता हूँ कि आप जवाब दे पाते हैं। हमारा जी तक हो गया था, आई जरा एच। मुझे लगता है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे बच्चे, मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पाओगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों डर लग रहा है, लेकिन बात लग रहा कि सच बोल रहा हूँ, नहीं जवाब दे पाओगे। सर पूछो तो जरा, आप पूछो तो, आप हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो, हम बड़े समझदार बच्चे। तो फिर लो बच्चे, पूछता हूँ मैं आपसे, आप लो यहाँ पे, मैंने कहा जरा बताओ, कहता है कि रेंट हमने पे किया, रेंट हमने पे किया आपका, रेंट पे किया टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या, वो प्रॉपर्टी का जो मालिक है,
अरे अगर हम प्रॉपर्टी जिससे रेंट पे लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड ही तो बोलते हैं, प्रॉपर्टी का मालिक आपका। तो लैंडलॉर्ड को हमने रेंट पे किया, आप बताओ रेंट पे करना कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर क्या हो गया आपको? आप तो सवाल सवाल जो पूछ रहे हो सिंपल सिंपल पूछ रहे हो और कहते हो कि आप बड़ा टफ क्वेश्चन करोगे। ये लो सर, रेंट जो पे किया लैंडलॉर्ड को, रेंट तो यहाँ जाएगा, रेंट हमारा क्या है जी, एक्सपेंस है। रेंट जो पे किया टू लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड को जो आपने रेंट पे किया वो यहाँ जाएगा सर आपका, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था बच्चे, सवाल अब आ रहा है और देखता हूँ कि आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है। ये लो मैंने कहा, आई अगला पॉइंट आपका, रेंट कहता है रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पे किया हमने पार्टनर को। ओहो एक मिनट सर, रेंट पे किया पार्टनर को, इसका मतलब क्या? तो पार्टनर को पे किया मतलब फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी या हिज बिल्डिंग। आप बताओ कि आप पार्टनर को रेंट पे कर रहे हो यार, रेंट जो पे किया पार्टनर को, अब पार्टनर को रेंट पे किया वो कहां जाएगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टनर ने अपने बिल्डिंग फर्म को दे दी होगी और बोला कि लो जी आप इसी में काम करो लेकिन मैं उसका रेंट लूंगा। यही मतलब निकल गया है ना बच्चे, मैं और आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हमें एक जगह पे अपना ऑफिस खोलना है, ऑफिस खोलने के लिए हमें एक बिल्डिंग की जरूरत है, तो या तो बिल्डिंग मैं किसी और से रेंट पे ले लूं या फिर उस जगह पे अगर आपकी ही प्रॉपर्टी है तो आपसे ही ले लूंगा जी रेंट पे। बात समझ में आ रही है? अरे या तो मैं बाहर वाले से, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या हो गया, मान लो कोई आउटसाइडर है, आउटसाइडर मतलब क्या, वो मैं और आप नहीं है बच्चे, कोई और था, तो उससे जो उसको भी रेंट पे करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैंने आपसे बिल्डिंग लिया कि अपनी बिल्डिंग दे दो हम उसी में ऑफिस खोलते हैं, हम आपको रेंट पे कर देंगे, फर्म आपको रेंट पे कर देगी, तो जरा बताओ ये जो रेंट पे किया जा रहा है ये भी क्या बोला जाएगा? सर ये भी तो एक्सपेंस ही है, ये भी तो एक्सपेंस ही है, मतलब रेंट पे करना आपका। लेकिन मेरा सवाल सुनो आप, मेरा सवाल है कि अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया तो आपने कहा कि रेंट यहां जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे अगर कहता हूं कि रेंट हमने पार्टनर को पे किया उनकी बिल्डिंग को यूज करने के बदले में, तो जरा बताओ ये रेंट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? जरा बताओ ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? सर ये तो थोड़ा टिपिकल सवाल है, हमें सोचना पड़ेगा। सोचो ना फिर, कौन रोकता है आपको, कौन रोक रहा है आपको? सोचो आप जितना सोचना है, मैं थोड़े मना कर रहा हूं सोचने के आपका, आप बस मुझे जवाब दे दो कि रेंट जो पे किया पार्टनर को फॉर यूजिंग हिज बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग जो आपने यूज किया और उसके बदले में जो आपने रेंट पे किया, जरा बताओ वो रेंट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? सर थोड़ा हिंट दे सकते हो? हाँ बच्चे हिंट क्यों नहीं दूंगा, हिंट देता हूं, चलो मैं हिंट देता हूं, लेकिन जवाब आपने ही देना है, मैं नहीं जवाब देने वाला। हिंट सुनो, हमने कहा था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड होते हैं, पता ये बात ना? और हम बात करें अगर यहां पे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं एक्सपेंस, लेकिन यहां पे अप्रोप्रिएशन होता बच्चे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप याद रखना यहां पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? लिखा तो था, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है, पार्टनर्स का जो कैपिटल है और जो उनके सर्विसेज है उनके बदले में जो भी उनको आप कुछ देते हो उनको हम बोलते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। आओ जरा एक एक करके मैं आपके साथ देखता हूं कि क्या बातें निकल के आ रही है। चलो बताओ अगर पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दे दी और कहा जी लो इस बिल्डिंग पर हम काम करते हैं लेकिन मैं रेंट लूंगा, मुझे बताओ क्या वो रेंट कैपिटल पर ले रहे हैं बच्चे? क्या कैपिटल है वो अमाउंट आपका? क्या जो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दिया है क्या वो बिजनेस का कैपिटल है? नहीं सर, नहीं, वो कैपिटल नहीं है, बिजनेस की प्रॉपर्टी थोड़े है, वो तो आप ही की प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी है, लेकिन पार्टनर ने उस प्रॉपर्टी को देने के बजाय बोला कि भैया मैं इस पर रेंट लूंगा रेंट, तो मेरे बच्चे वो ये पार्टनर का फर्म में कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल का तो सवाल उठा नहीं यहां पे आपका, यानी कि वो इंटरेस्ट तो है नहीं कि हम इंटरेस्ट देंगे आपका। अब जरा रेंट की बात करते हैं, उनका सर्विसेज रेंडर करना, जरा बताओ सर्विसेज रेंडर करना, क्या रेंट जो वो ले रहे हैं कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं? अपना मैं काम कर रहा हूं,
क्या पार्टनर कोई काम कर रहा है अपनी मेहनत से अपनी बॉडी से फिर रेंट ले रहा है? नहीं सर, नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये सर्विसेज के बदले में थोड़े आपका है। तो सवाल खत्म हो गया बच्चे, डिस्कशन खत्म हो गया। रेंट जो पे कर रहा हूं पार्टनर को उनकी बिल्डिंग को यूज करने के बदले में, ना तो वो रेंट हम कैपिटल के बदले में पे कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल के बदले में हम इंटरेस्ट पे करते हैं बस, और कुछ नहीं पे करते, ना उनकी कोई मेहनत है, उनकी कोई मेहनत नहीं है, उन्होंने एक बिल्डिंग रखा था रेंट पे दिया और रेंट हमेशा फर्म पे कर रही है। तो मेरे बच्चे अकाउंट्स में ये जो रेंट पे किया पार्टनर को, ये भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एक्सपेंस मानते हैं, यानी कि आई पॉइंट। मैं थोड़ा जगह बनाऊंगा, यहाँ जगह कम पड़ गया मेरे लिए, बट आपके लिए होगा क्योंकि आपने पूरा आधा पे जगह छोड़ा है। इवन कहता है कि रेंट अगर हमने पे किया है टू पार्टनर, अगर आपने पार्टनर को भी रेंट पे किया है तो वो भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था अभी अभी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो ही चीजें आती हैं, आपने कैपिटल के बदले में जो लिया यानी कि इंटरेस्ट, या फिर अपने सर्विसेज के बदले में आपने लिया कमीशन, सैलरी या प्रॉफिट का हिस्सा, उसको बोलते हैं बच्चे आपका यहाँ पे रेंट पे करना। चाहे आपने लैंडलॉर्ड को पे किया हो, चाहे रेंट आपने पार्टनर को पे किया है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दो मत नहीं। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। आगे बोलो सर, आगे बोलो। अब मुझे बताओ ना फिर से, मैं बस जगह कम है, मेरे पास जगह नहीं, जगह भी है, मैं लिख सकता हूँ। ये लो आपका जे, यहाँ पे जे हो गया जी, एक पॉइंट आपका आ जाएगा, और यहाँ पे के, एक पॉइंट और आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर से सवाल मेरा निकल के आ रहा है, मान लो कहता है कि आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे किया ऑन लोन, लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से आपने कोई लोन लिया है बच्चे, और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जरा बताओ, बैंक से आपने एक लोन लिया था, उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मुझे बताओ ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है? सर, बैंक को जो हम लोन लिए थे, बैंक से जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे करना हमारा एक्सपेंस होता है, वो 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे बच्चे जो आपका जे पॉइंट है, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, बैंक को जो आपने लोन पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया, वो क्या होगा जी? आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा बच्चे, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का आइटम है, ठीक है। लेकिन सवाल सुनो अगला आ रहा है यहां पे, अगर क्वेश्चन कह दे इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये क्या हुआ? इसका मतलब है, आगे ज्यादा डिटेल में बताऊंगा बच्चे, आगे डिटेल में बताऊंगा, इस पर पूरा एक टॉपिक हमारा निकल के आएगा। आज सिर्फ थोड़ा सा सुन लो, बस थोड़ा सा सुन लो। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, पता है पार्टनर जब पैसा बिजनेस में लगाता है ना, फर्म के अंदर में, तो मेरे बच्चे दो तरीके से पैसा लगाता है, दो तरीका है, या तो क्या करेगा वो कैपिटल देगा, कैपिटल, या फिर वो लोन देगा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनर अगर सपोज कि पैसा देना चाहता है, पैसा बिजनेस में लगाना चाहता है, तो दो तरीका बच्चे, या तो वो कैपिटल देगा या फिर लोन देगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो पार्टनर ने कोई लोन दिया है, सर लोन कोई क्यों देगा? अगर वो पार्टनर है तो कैपिटल देना चाहिए। हाँ बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पार्टनर है तो उसको कैपिटल देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं ना, वो आपका कैपिटल के साथ साथ लोन देते हैं। लोन क्यों देते हैं वो आगे का टॉपिक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, बस थोड़ा समझ लो कि मान लो पार्टनर ने कोई लोन दिया है और उस लोन पे सपोज कि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। मुझे बताओ, पार्टनर के लोन पे अगर इंटरेस्ट पे किया गया, तो वो इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? मेरा सवाल ये है, जरा बताओ, जो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, क्या मैं उसको एक्सपेंस मानूं? अगर एक्सपेंस तो मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, तो उसको मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। आप बताओ कहां पर जाएगा? सर दिमाग नहीं काम कर रहा, आप ही बता दो ना। तो ठीक है, क्या टेंशन करना, मैं हूं ना बच्चे, सुनो मेरी बात, मैं इसको सोचूंगा। आपने पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे किया, आप बताओ लोन, हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा प्रॉफिट का, उसमें क्या आएगा? उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। अगर उन्होंने कैपिटल दिया है तो कैपिटल पे जो पे करूंगा वो यहां पे आएगा, या फिर वो जो अपना मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में जो जाएगा वो यहां पे जाएगा। बच्चे देखो, लोन देना ना तो कोई कैपिटल है
और ना ही कोई पार्टनर की मेहनत है। तो मेरे बच्चे, पार्टनर को अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है और उस लोन पे अगर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो एक्सपेंस माना जाएगा, वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा ना, वो भी क्या करेंगे आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका जी एच के जे के बाद क्या था जी, के नंबर, के नंबर आपका यहाँ निकल के आ गया कि जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा ऑन लोन, ऑन लोन टू पार्टनर, आप जो पार्टनर को यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी कहाँ जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बात समझ वाली मैंने क्या बताया आपका, कुछ भी टेंशन नहीं है। अगर पार्टनर्स को उनके कैपिटल और सर्विसेज के बदले में जो भी मिलेगा वो आएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर मान लो कि इसके सिवाय कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हो, पार्टनर को ही सही, पार्टनर को या किसी को भी, वो सब कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो देखो एग्जाम में दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, चार चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट डाल देता है कि चलो बताओ पार्टनर को हमने रेंट पे किया जी, पार्टनर के लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया, आप बताओ ये कहाँ जाएगा, तो आप बोलना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ना कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रहेगी बात सर? हाँ जी सर। तो बताओ हमें क्या याद रखना है, सिर्फ एक बात, आप आज मेरे साथ कसम खा लो, आज कसम खा लो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही लिखूंगा जो पार्टनर को उनके कैपिटल के बदले में मिल रहा है जी, या फिर उनके सर्विसेज यानी कि मेहनत, जो खून पसीना वो लगा रहे बच्चे, उसके बदले में जो मिल रहा है, इसके सिवाय कुछ भी। अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी है, उसको हमने रेंट पे लिया हुआ है, हम रेंट पे कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंस माना जाएगा। पार्टनर से हमने कोई लोन लिया है, हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना, वो भी यहाँ पे आपको जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये हमने क्या क्या यहाँ पे बताया बहुत सिंपल तरीके से। इन बातों को आप देखेंगे कि टी एस ग्रिवाल की बुक में पिछले अगले 100 पेज में बात समझाई गई है। आप अगले 100 पेज में जो क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, मैं भी कराऊंगा, उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आपको यूज किए जा रहे हैं कि ये कभी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कह देगा, कभी रेंट कह देगा। तो आप परेशान नहीं होना, आपको पहले से पता है कि कौन सी चीज़ें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, कौन सी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। तो आप एक काम करो, आप इसकी कॉपी कर लो, पहले आप इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर और कुछ नहीं बताओगे? अब क्या बताऊँ, सारी बातें तो तरीका मैंने सोचने का आपको बता ही दिया। आप कोई भी पॉइंट आप खुद दिमाग में लेकर आइए, खुद समझ में कि कहाँ जाएगा। तो जरा बताओ ना, सैलरी पे करना, आपका एडवर्टीजमेंट कराना, आपका कमीशन पे करना, रेंट पे करना, सब कहाँ जाएंगे सर? अगर वो आपका ऐसे तो खर्चे सब यहाँ जाते हैं, हाँ अगर कुछ इसमें से जो कैपिटल के बदले में पे किया गया या जो प्रॉफिट का सर्विसेज के बदले में दिया, वो जाएगा आपका प्रोपोर्शन अकाउंट में, ठीक है ना सर? हाँ चलो फिर आप इसी को भी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ आपका। सर ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया आपका। तो मैं काम करता हूँ, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, और मैं आज आपको क्या करूंगा, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा, और फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा जी, और बातों को समझने के लिए आपका, ठीक है ना सर? हाँ लो फिर मैं मिटाता हूँ इसको आपका। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, ये बहुत बड़ा पाप करने वाला था बच्चे, मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला था, रोक दिया आपने मुझे, रोक दिया। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं पहले सिर्फ इनको मिटाऊंगा, पहले मैं इनको मिटाऊंगा, मैं अभी उनको नहीं मिटाने वाला। मैं एक बहुत एक टिपिकल थ्योरी को मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बता देना चाहता हूं, ताकि बाद में आप मुझसे ये ना कहें कि सर आपने ये तो समझाया ही नहीं था और आपने टॉपिक ख़त्म कर दिया। ये लो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सर ये दो फॉर्मेट आपने क्यों छोड़ दिया, आपको बताता हूँ बच्चे, आपको बताता हूँ। ध्यान यहाँ, ध्यान यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान यहाँ बच्चे, ध्यान यहाँ। पता है आप जितने भी नाम आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया ना, जो भी नाम आपने प्रॉफिट लॉस में दिखाया, या जिस नाम को भी आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मेरे बच्चे इन सबको आप कहते हो ये है चार्ज, आप इनको कहते हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान रखना ये एक वर्ड है, पता नहीं कितनी बार इसके ऊपर में थ्योरी आ चुका है एग्जाम में। याद रखना जितने भी नाम आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में जिसको चार्ज यानी कि खर्च के रूप में दिखाना है, यानी कि प्रॉफिट को निकालते समय जिनको भी खर्च के रूप में दिखाया जाता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका। इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब हो गया बच्चे मैं लिखता हूँ, इसका मतलब हो गया कि दोज आइटम्स लिखे कहीं पे, जहां भी जगह बना ले आप, कोई बड़ी बात नहीं है, झगड़ा नहीं करना मेरे साथ,
मुझे यही समझा देना था इसलिए काम खत्म हो गया. दोज आइटम्स विच आर डेबिटेड टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मेरे बच्चे जितने भी नाम को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं उन सारे एक्सपेंसेज को उन सारे नाम को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया जिनको प्रॉफिट में खर्च के रूप में दिखाया जाएगा. बात समझ में आ रही है सर? हाँ, तो सिर्फ फिर बताओ ना सर इनको क्या कहा जाएगा. मेरे बच्चे आप देखो ना यहाँ पे और क्या क्या आ सकता है जी. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, कमीशन लिखा, सैलरी दिया, और भी बड़े सारे नाम था, प्रॉफिट डिवाइड करना, जो भी आपका था. तो जितने भी आइटम्स आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं जितने भी नाम, इन नाम को कहा जाता है बच्चे आपका, इनको कहा जाता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये तो नाम आप सुन ही चुके हैं, इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. यानी कि ये प्रॉफिट का आपका एप्रोप्रिएशन है, ये आपके प्रॉफिट का डिवीजन है. ये प्रॉफिट के डिवीजन होते बच्चे, प्रॉफिट का आपका एप्रोप्रिएशन है. कोई पूछ दे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो बोलना कि दोज आइटम्स विच आर लिखिए मेरे साथ, विच आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी नाम आते हैं बच्चे, उन सबको कहा जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. आपका एग्जाम का थ्योरी का क्वेश्चन कई बार आ गया, तो जरा बताओ ना, अगर बोले कि जरा बताओ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? कहने का देखो जी, एग्जाम्पल जब पूछोगे तो एक तो नाम आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन आ गया जी पार्टनर को देना, सैलरी पार्टनर को देना. फिर उसी तरीके से मान लो यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर करना, पिछली क्लास में देखा था रिजर्व में ट्रांसफर करना, वो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है. अगर मान लो कि पार्टनर्स को प्रॉफिट रेशियो में अमाउंट डिवाइड कर रहे हो, वो भी आपके एप्रोप्रिएशन है. तो जितनी बातें आपको पिछली क्लास में सिखाया था मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सभी क्या बोले जाएंगे जी आपका, वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कहा जाएगा. और जिन नाम को मेरे बच्चे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, हम उसको बोलते हैं आपका, उसको क्या बोलते हैं जी आपका सर? उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो बस मेरा काम पूरा हो गया, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, और मुझे विश्वास है कि एक एक बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है. आप प्लीज़ इसकी कॉपी कर लो. मैं और आप ये ना समझना कि ये बातें यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी, ये बातें अभी दोबारा भी हमें समझना बच्चे, कई बार चैप्टर में आएगा, कई सारे क्वेश्चन में टॉपिक्स आएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपके लिए. आप कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करता हूँ. आप मुझे अगर अनुमति दे तो मैं इसको मिटा दूं बच्चे, आप मुझे अनुमति दे तो मैं मिटा दूं. सर लिख लिया, आप मिटा लो सर, मिटा लो, हमने अनुमति दिया. धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद, आपने मुझे कहा मैं मिटा देता हूं, लो मैं इसको मिटा देता हूं. और अगर आप नहीं लिख पाए, थोड़ा स्पीड अगर स्लो है तो भी टेंशन क्या है, आप अपने वीडियो को वहां पर स्टॉप करें, लिख लें और फिर आगे बढ़ जाए. कोई भागे थोड़े जा रहे, आप भी वहीं हो, मैं भी वहीं पर हूँ, और फिर क्या टेंशन की बात है आपका, फिर क्या टेंशन की बात है. आई बात समझ में सर? हाँ, हमने पहले कसम खाया हुआ हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हमें सारी बातें समझनी है, बहुत प्यार से. टेंशन होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ. मैंने अपना नंबर आपके साथ शेयर किया था, आप नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके, खासकर अपना नाम मुझे टाइप कर दो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा. हो सके तो फ़ोन करके भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं आने दूंगा, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है? चलो अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है आज की क्लास में, क्योंकि उन चीज़ों को आगे समझाना बंद कर दूंगा बच्चे, उन पे तो फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, और समझाना मैं बंद करूँगा, आप समझना चाहोगे भी नहीं फिर आज के बाद, क्योंकि आपके दिमाग में आज ही सारी बातें बैठ जाएंगी. चलो मैं शुरू करता हूँ, लिखिए मेरे साथ आज यहाँ पे, आज की क्लास में फिर से शुरू कर रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करने की चीज़ें होते हैं, बहुत हद तक. मैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, फिर बुक से क्वेश्चन करता हूँ, और फिर सारे क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं. आप देखो क्या निकल के आता है. चलो शुरू करता हूँ. लिखो मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर वन, आज का एग्जाम्पल नंबर वन कहता है कि राम एंड मोहन मेरे बच्चे दो पार्टनर हैं आपका. कहता है कि इनका जो कैपिटल है बिजनेस में, वो कहता है कि इनका 2 लाख रुपए कैपिटल है
और इनका कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, ठीक है ना सर? हाँ जी ठीक है सर। फिर कहता है क्वेश्चन में कि आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया है, कहता है कि बिफोर बिफोर आपका मैनेजर्स कमीशन, कहता है कि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर ध्यान रहे मैनेजर, अभी अभी हम टॉपिक को लेकर छोड़े हैं बच्चे, मैनेजर कमीशन को चार्ज करने के पहले बिफोर कहता है कि जो प्रॉफिट आपका है, वो कहता है कि मान लो यहां पे 80,000 का अमाउंट आपका, 80,000 का प्रॉफिट है बच्चे, ठीक है ना। फिर कहता है कि जो मैनेजर का कमीशन है, कहता है कि जो मैनेजर का कमीशन है, वो कमीशन कहता है बच्चे यहां पे मान लो वो कहता है कि आपका 10,000 का अमाउंट आपका है, 10,000 का अमाउंट। फिर कहता है कि जो इनका पार्टनरशिप डिड है, पार्टनरशिप डिड, ये नाम हमने पिछली क्लास में यूज किया था, नाम तो सुना ही होगा आपने, नाम तो आपने सुन ही लिया होगा बच्चे, पार्टनरशिप डिड। उस डिड में जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट में कहता है कि देखो जी पार्टनर को यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका होगा वो कहता है कि मान लो आपका 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। फिर कहता है कि हमें सैलरी भी देना है, सैलरी भी देना है ए को, और वो कहता है कि मान लो यहां पे आपका 15,000 रुपए का अमाउंट है, 15,000 का अमाउंट, और कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो है, यानी कि जो प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में मान लो कहता है कि इक्वली हमें डिवाइड कर देना है। रेशियो क्या होगा क्वेश्चन बताएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना। मुद्दा वो नहीं है बच्चे, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कुछ यहां पे है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप इसको लिख लो। और फिर कहता है कि प्रिपेयर, कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कहता है कि आप एक काम करें, आप बना लो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, ठीक है ना। बोलता बताओ क्या करेंगे। तो आओ जरा मैं आपको दिखाऊं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आपका, हमें बनाना जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो शुरू करो मैं सर। हाँ सर शुरू करो। देखो पहले तो मुझे ये बताओ सॉल्यूशन करते समय कि ये जो प्रॉफिट आपको बता रहा है 80,000 का, ये कहता है कि बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मतलब क्या है जी? मतलब बच्चे कि जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये देखिए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर मैनेजर्स कमीशन, बिफोर का मतलब हुआ जिसमें मैनेजर का जो कमीशन है अभी तक आपने उसमें माइनस नहीं किया है, वो प्रॉफिट कहता है कि 80,000 का अमाउंट आपका है, 80,000 का अमाउंट है। मुझे बताओ इसमें से जो मैनेजर का कमीशन है, अगर मैं बात करूं इसमें से जो मैनेजर का कमीशन है वो अमाउंट कितना बता रहा जरा मुझे बताइए। तो सर मैनेजर का जो कमीशन है वो तो आपका यहाँ पे 10,000 है, तो 80,000 में 10,000 तो आपका मैनेजर का कमीशन हो गया। मुझे बताओ इस कमीशन को माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बच जाएगा यहाँ पे? सर 70,000, 70,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, और ये कहा जाएगा जी आफ्टर आफ्टर बचे यहाँ पे कमीशन, आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर के कमीशन को माइनस करने के बाद आपका इतना। सर ये क्या कर रहे हो आप? बस ऐसे मन किया लिखने का, लिख दिया बच्चे, अभी कुछ नहीं किया। आप भी लिख लो, आप भी लिख लो कि यार प्रॉफिट जो मैनेजर का कमीशन माइनस करने के पहले 80,000 रुपये है, और फिर क्वेश्चन कहता है कि मैनेजर का कमीशन 10,000 रुपये, तो 10,000 अगर माइनस करूं तो कमीशन माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बचेगा? सर 70,000 यही बचेगा ना बच्चे। सर हाँ सर ये कोई बड़ी बात तो आप नहीं बता रहे हो, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो, ये तो हमें पता है। आपने ठीक बोला बच्चे, आपने ठीक बोला कि आपको बात पता है, लेकिन फिर आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो मुझे ये बताओ जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, वो प्रॉफिट यहां जो लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, सिर्फ इतना बता दो जो प्रॉफिट मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है वो प्रॉफिट आपका 80,000 है कि 70,000 है, बस इतना बताओ।
नहीं सवाल पूछता कुछ मैं, नहीं कोई बात करता। आपसे मुझे इतना बता दो कि 80,000 में 10,000 रुपये हमें कमीशन पे करना मैनेजर को, ध्यान रहे अभी पढ़ के निकले बच्चे, मैनेजर इंप्लॉय होता है, मैनेजर इंप्लॉय होता है, और इंप्लॉय को जो हमें कमीशन पे करना है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, पहले आप मुझे ये बताओ, पहले मुझे आप ये बताओ कि जो मैनेजर को कमीशन पे किया गया वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। सर ये क्या पूछ रहे हो सर, ये तो सिंपल सी बात है यार, अभी समझाया था, मैनेजर इंप्लॉय होता है, इंप्लॉय को कुछ भी पे करना है तो वो तो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जिसको हमने कहा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहा था ना बच्चे? सर हाँ वो तो आपने कहा था। तो मुझे बताओ जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, जिनका अप्रोप्रिएशन करना है, जिनको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्रॉफिट कितना है? सर वो तो 70,000 है। बस बच्चे बस, मैं यही चाहता था, ये लो लिख दिया आपके ही द्वारा बताया हुआ अमाउंट 70,000 रुपये, 70,000, ये वो प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स को देना है। तो आप एक काम करो, ये जो 70,000 का अमाउंट है वो पार्टनर्स में आप देना शुरू करो। तो आप एक काम करना, जरा बताओ अब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट क्या है? सर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है दे दो। फिर आप दो पार्टनर है, राम और दूसरा कौन है जी, मोहन, आपका राम एंड मोहन। तो मैं क्या करूंगा जी, ये जो इंटरेस्ट बचे 10% के हिसाब से 2 लाख पे कितना हो गया आपका 20,000, 20,000 रुपये का अमाउंट आपका, और जो 1 लाख का अमाउंट है 10% के हिसाब से कितना हो गया आपका 10,000 का अमाउंट आपका, यहाँ पे 10,000। देखो ये राम को दे दिया जाएगा और ये मोहन को दे दिया जाएगा, फिर से स्लोली मेरी बात सुनो, आउट ऑफ 70,000 30,000 रुपये में से 20,000 रुपये राम को दे दिया जाएगा और मोहन को 10,000 रुपये। पता ये राम मोहन जो है ना बच्चे, वो घर लेकर नहीं जाते पैसा कि हाँ जी आज हमने क्या किया घर लेकर चले गए, फर्म पता क्या करती है, जितना भी उनको इंटरेस्ट दे रही है ना वो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देती है। तो ये राम के कैपिटल अकाउंट में और मोहन के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, अमाउंट जाके ऐड कर दिया जाएगा और कुछ नहीं आपको यहाँ पे, बात समझ आ रही है? यहाँ पे कुछ और भी होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आएगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हम वहाँ डिस्कस करेंगे, आज उस मुद्दे को भी छोड़ता हूँ, आज हम उस मुद्दे को भी टच नहीं करते, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप। फिलहाल समझ लेना कि 70,000 रुपये में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 20,000 रुपये राम का जो कैपिटल अकाउंट उसमें जाकर हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो उनका पैसा है जी, और जो मोहन का है मोहन के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। उसके बाद देखो कहता है कि सैलरी हमें ए को देना है, तो ये लो हमने क्या करना, सैलरी हमें देना है जी ए को, सैलरी हमने किसको देना है बच्चे, ए को। तो ए की जो सैलरी बनेगी ना वो आप क्या करना, उनके अकाउंट में जाके ऐड कर देना, उनका जो कैपिटल अकाउंट बिजनेस में आपका मेंटेन होता है उस कैपिटल में क्या करेंगे हम जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो 15,000 रुपये का अमाउंट आपका, 15,000 का अमाउंट, अच्छा मैं इसको तो लिखना भूल ही गया, ये बाहर कितना चला गया 30,000 का अमाउंट। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने सिर्फ राम मोहन और ए लिखा था, सॉरी ए नहीं है जी, यहाँ पे सैलरी टू राम है बच्चे, राम है, माफ़ कर दो गलती से, ये तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया राम लिख दिया यहाँ पे, राम, गलती से कोई बात नहीं। तो ठीक है आपका जो इंटरेस्ट है आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जी, और आपका क्या सैलरी आपके अकाउंट में चला गया। अब कहता है कि जो बैलेंस बच जाएगा, तो बैलेंस जो बच जाएगा प्रॉफिट आपका ट्रांसफर टू जो बच जाएगा वो क्या करेंगे जी, राम के कैपिटल अकाउंट में हम जाके ऐड कर देंगे और मोहन के, मोहन है ना दूसरा सर, हाँ, तो मोहन का जो आपका प्रॉफिट मोहन के कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, है ना, मोहन के अकाउंट में आपको ऐड कर देंगे। तो आपने क्या करना है जी, आप जरा बताओ कितना मिलेगा यहाँ पे, तो सर 70,000 का जो प्रॉफिट था उस 70,000 में आपने क्या किया, 30,000 तो एज इंटरेस्ट दे दिया, 15,000 आपने दे दिया यहाँ पे, ये अमाउंट सैलरी का था ना बच्चे, सैलरी दे दिया, तो 25,000 का प्रॉफिट बच गया है। और ये प्रॉफिट क्या होगा जी, राम और मोहन के कैपिटल में ऐड कर देना है, रेशियो इक्वल है, तो आपने क्या किया 12,500 रुपये इनको, 12,500 रुपये आपका यहाँ पे, ये हमने क्या किया ऐड कर दिया, काम पूरा आपका हो गया, बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आई, लेकिन जो आपने कैपिटल लिखा सर वो नहीं समझ में आया क्यों आपका हुआ। देखो इसका मीनिंग मैं पूरा तो समझाऊंगा आगे, इसका पूरा मीनिंग समझाऊंगा बच्चे आगे, इसका एक टॉपिक आएगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग मैं आपको समझा दूं ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है सर? हाँ बता दो सर, फिर समझ में आएगी ना। तो ठीक है मैं एक काम करता हूं, इसको हटाता हूं, मैंने यहां कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा बच्चे मैं आपको समझा देता हूं,
ताकि आपके सवाल अभी कभी खत्म हो जाए और बाद में बार बार ये सवाल ना उठे जब तक कि हम इसका डिटेल डिस्कशन ना कर ले टॉपिक को, ठीक है। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या निकल कर रहा, मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब। ये कॉपी हो गया आपका, ये कॉपी हो गया बच्चे? सर हाँ जी सर, यहाँ तक तो हो गया। तो ठीक है, अब जो आगे लिखूंगा वो आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, आपको बस मेरी बातें सुन लेनी है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बच्चे। लो मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। देखो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपका, और इस बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, याद कीजिए। चलो मैं पूरी हिस्ट्री बता देता हूं क्या फर्क पड़ता है। याद करो जब आप 11th क्लास में थे, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे आप, जब 11th क्लास में थे बच्चे, तो आप याद करो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये लिखना नहीं आपको, बस मेरी बात सुननी है, एंड आपने बनाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये टॉपिक हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। आप देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाकर आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला था, याद है बच्चे? सर हाँ सर हमें याद है। फिर आपने क्या किया था, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया था आपने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाया था, और उस बैलेंस शीट के अंदर में आप देखो आप यहाँ क्या करते थे, मैं याद दिलाऊं कि जो पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर वहां तो एक ही आदमी होता था जी, तो उसका जो भी कैपिटल होता था आप उसको यहां लिखते थे, याद आ रही बात? सर हाँ जी सर हम यहां लिखते थे। फिर याद करो जो आपका कैपिटल होता था उसमें हम क्या करते थे, इस प्रॉफिट को लाकर हम यहां पे ऐड कर देते थे, याद है? सर हाँ सर ये तो हम करते थे कि जितना आपका प्रॉफिट वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, करते थे ना आप? सर हाँ जी करते थे। मेरे बच्चे वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। एक्चुअली यहां पे क्या है कि अब एक पार्टनर तो है नहीं, मैं आपको दिखाऊं यहां पे आपका क्या है जी, ये तो पहले ठीक था लेकिन अब क्या बता रहा हूं, यहां पे पार्टनर अब एक नहीं है, पार्टनर यहां पे मान लो दो हैं, मान लो पार्टनर यहां पे दो हैं, तो आपने क्या किया यहां लिखा हुआ है ए का कैपिटल, या जैसे इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका कौन है जी, राम कैपिटल, राम है यहां पे, और मान लो इनका कैपिटल कितना बता रहा था आपको, अमाउंट कितना था, कितना था बच्चे कैपिटल का, मान लो 2 लाख का अमाउंट था, और यहां जगह दिख रहा है, जगह दिख रहा है नहीं सर मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे पास जगह की कमी हो रही है, मैं इसको मिटाऊंगा, मैं आपको यहां दिखा देता हूं क्या जाएगा थोड़ा सा और ऊपर करके। ये रहा आपका यहां पे बैलेंस शीट। देखो 11th क्लास का बैलेंस शीट क्या होता था और 12th क्लास का बैलेंस शीट कैसा होगा, ये हमने क्या क्या बनाया? सर हम भी बनाए? नहीं बच्चे मैंने कहा तो था आपको नहीं बनाना, बस मेरी बातें सुननी है। ये रहा आपका 11th क्लास का बैलेंस शीट। जो कैपिटल एक ही बंदा होता था उसका जो भी कैपिटल होता था उस कैपिटल में आप इस प्रॉफिट को लेकर ऐड कर देते थे आप। हाँ जी सर हम ये करते थे, प्रॉफिट तो ऐड, लॉस तो माइनस, और ही बाहर जाता था सर, और भी कई चीज प्लस माइनस करते थे, ड्रॉइंग्स, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, तो हम बाद में देख लेंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। ये तो 11th क्लास। अब देखो 12th क्लास में हमारी परेशानी क्या है कि दो पार्टनर हैं, एक हो गया राम, एक हो गया आपका यानी कि राम कैपिटल हो गया जी यहाँ पे, जब दो होगा तो अलग से दिखाना पड़ेगा, और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया मोहन कैपिटल, ठीक है ना सर? हाँ राम का कैपिटल मान लो 2 लाख रुपए का अमाउंट था, मोहन का कैपिटल जो क्वेश्चन था जी हमारे मुताबिक 1 लाख का अमाउंट था, है ना? अब देखो हमने क्या किया कि ये प्रॉफिट, ये तो 11th क्लास था, अब मैं 11th को काटता हूँ और आगे हम 12th क्लास में, लो मैंने एक ही सेकेंड में आपको 12th क्लास में डाल दिया, और 12th क्लास में हमारे क्वेश्चन के मुताबिक प्रॉफिट कितना निकल के आया, 70,000 आया ना बच्चे। अब ये 70,000 का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 12th क्लास में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्या बात क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बातें हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी। अब हम क्या करेंगे, 70,000 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। जब पार्टनर के बीच में डिवाइड करोगे तो हमें क्या करना होगा, जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट को आपने कैपिटल में ऐड किया था उसी तरीके से 12th क्लास में भी प्रॉफिट जैसे जैसे पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा उनके कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। कैपिटल में क्या करेंगे बच्चे, हम ऐड कर देंगे, इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट मोहन कैपिटल अकाउंट, यानी कि 20,000 रुपये राम के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा और 10,000 रुपये मोहन के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। ये 20,000 रुपये क्या होगा जी, राम के कैपिटल में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कैपिटल में, और ये 10,000 रुपये क्या होगा मोहन के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से जो सैलरी राम को मिला वो राम के कैपिटल में क्या होगा जी, जाके आपका ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? प्रॉफिट भी क्या होगा, राम का राम में और मोहन का मोहन में जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए जब भी हम एंट्री पास कर रहे हैं तो वहां लिख रहे हैं राम कैपिटल मोहन कैपिटल, मतलब कैपिटल का नाम लिखा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जाके कैपिटल में प्लस माइनस हो जानी है।
आई बात समझ में सर? हाँ, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं समझाई बच्चे। कैपिटल अकाउंट पे डिटेल स्टडी अभी आगे है। कैपिटल अकाउंट बनाने के कई तरीके आपके होते हैं, उन तरीके को भी देखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, दो दो क्लास खींचेंगे उसके ऊपर में। आज तो मैं बस आपके साथ छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ, आज तो बस मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूँ बाकी बच्चों के मुकाबले, ताकि आप ही रहें और दुनिया में कोई ना रहे, बस यही मकसद है आपका। सर ठीक है, ये तो काम हमें समझ में आ गया, अब बताओ मैं क्या करूँ? देखो हमने प्रॉफिट का हमने डिवीजन कर लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ आपने एक चीज़ देखा कि प्रॉफिट हमने यहाँ कितना लिखा बच्चे, 70, क्योंकि मैनेजर को जो कमीशन पे करना वो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, वो अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, तो उस अमाउंट को माइनस करने के बाद ही आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम हम इसको मिटाते हैं आपका, अब ये समझ गए होंगे आप। अच्छा सर, आप चाहो ना तो आप हमें कोई क्वेश्चन देके आप हमारा कॉन्सेप्ट चेक कर लो कि हमने सीखा कि नहीं सीखा। दूंगा बच्चे, पूछूंगा भी सवाल, रुक जाओ जरा दो मिनट के लिए, पहले मैं आपको थोड़ा शक्ति तो दे दूं, थोड़ा स्ट्रोंग तो कर दूं। आज की क्लास के बाद जब घर से बाहर निकलोगे, आप देखना आपके शरीर में 2 से 3 इंच की वृद्धि हो जाएगी, 2 से 3 इंच आपके शरीर का एक एक टुकड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर मैं इतनी सारी शक्तियां भर दूंगा कि बस आप रहोगे और सिर्फ आप रहोगे और दुनिया का कोई आदमी नहीं। अच्छा सर फिर मैं कपड़े कैसे पहनूंगा? कोई बात नहीं, नए कपड़े ले लेना। आपका दिमाग कहाँ चला गया? मैं आपकी शक्तियों की बात करता हूँ, आप कपड़े और जूतों की बात कर रहे हो। अरे वो टेंशन छोड़ो ना, पहले आ जाओ जरा हम स्ट्रॉन्ग बात कर लें यहाँ पे। लो मैं एक एग्जाम्पल और कोट करता हूँ, अब मेरे साथ आप लिखना शुरू करेंगे, आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू कराओ सर, कराओ, हम भी रेडी हैं आपके साथ, जो कराओगे हम करने को तैयार हैं। ठीक, तो लिखो यहाँ पे, मैं नाम दे रहा हूँ बच्चे कुछ अच्छा सा, कहता है कि एक तो बताओ क्या लिखूं मैं, चलो मैं एक्स लिख देता हूँ, दूसरा वाई लिख देता हूँ, एक्स एंड वाई। कहता है कि इनका जो कैपिटल है वो कहता है कि 3 लाख रुपए का अमाउंट है और यहाँ पे 2 लाख रुपए का अमाउंट है, लिख दिया हमने यहाँ पे। सर ये तो ठीक है, आगे बताओ। कहता है इस बार ध्यान देना, वो बदमाशी कर रहा क्वेश्चन, कहता है कि जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहता है कि आफ्टर सैलरी 2x, प्रॉफिट x की सैलरी आफ्टर, यानी कि x की सैलरी माइनस करने के बाद, ये कहता है कि आपका 3,80,000 का अमाउंट आपका है, 3,80,000 रुपए का। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन में आपका यहां पे, फिर कहता है कि जो पार्टनरशिप डीड है बच्चे, इनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड है, उस डीड में जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और वो कहता है कि मान लो 10% के हिसाब से, कहता है कि सैलरी भी हमें देना है, सैलरी 2x, और ये कहता है मान लो आपका 20,000 रुपये का अमाउंट है, 20,000 का अमाउंट आपका। अच्छा, एक मिनट, सैलरी एक्स, एक्स पार्टनर है ना सर? हाँ वो पार्टनर है, सैलरी जो एक्स को देना है वो कहता है कि 20,000 रुपये का अमाउंट है, देख रहे हैं आप मेरे साथ सर? हाँ, और ये कहता है कि जो सैलरी एक्स को देना है इसको माइनस करने के बाद, आफ्टर का मतलब क्या, जिसमें ये 20,000 रुपये माइनस हो चुका है, कहता है कि भैया वो प्रॉफिट 3,80,000 का अमाउंट आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि भैया आपका ये हो गया, और कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो है, ये कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो कहता है कि मान लो यहाँ पे कितना लिखूँ बताओ, आप जितना बोलोगे वही लिखूँगा। लो आपने ही कहा, लिख दिया मैंने 2:3, कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता नहीं करना, जो रेशियो होगा क्वेश्चन बताएगा। ठीक है बच्चे? सर हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी एक्स को देना है 20,000 रुपये, रेशियो कहता है 2:3 का, बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना आगे आने वाले जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, मैं उन क्वेश्चन की आपकी तैयारी करा रहा हूँ, मतलब मैं आपको वो सिंपल तरीके से पहले छोटे छोटे टुकड़े में आपको समझा रहा हूँ, फिर हम बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको अच्छा लगेगा समझने के बाद। ये हो गया आपका सर। हाँ, मैं सोल्यूशन में आता हूँ बच्चे, सोल्यूशन में। एक तो मैं लिखूँ यहाँ पे, हमें क्वेश्चन के मुताबिक क्या बनाना है,
सर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, लीजिए मैंने ये बनाया आपके साथ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिखा हमने बच्चे यहाँ पे, ये हुआ आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना सर? हाँ जी, मुझे यहाँ पे वो प्रॉफिट लिखना है, मुझे यहाँ पे वो प्रॉफिट लिखना है जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अजीब सी स्थिति है बच्चे मेरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कितना लिखूं। मुझे यहां पे वो प्रॉफिट लिखना है जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। जरा मुझे बताओ कि क्या वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है वो सिर्फ 3,80,000 रुपए है? आप मुझे बताइए कि जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में जो डिवाइड करना है, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो क्या 3,80,000 का अमाउंट है? नहीं सर, नहीं। ये 3,80,000 का जो अमाउंट है कहता है कि आफ्टर ये 20,000 रुपए है, एक्स को, एक्स यानी कि जो पार्टनर को सैलरी देना है, उस सैलरी यानी कि 20,000 को माइनस करने के बाद कहता है कि 3,80,000 का अमाउंट है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ। फिर क्या करें सर? कुछ नहीं, आप पहले काम करो, पता कर लो वो प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट जो कि हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप पता क्या करेंगे, इसके बाद लिखिए यहां पे वर्किंग नोट्स आपका, लिखिए वर्किंग नोट्स नंबर 1, कहता है कि जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर आफ्टर आपका सैलरी टू एक्स, एक्स की सैलरी को माइनस करने के बाद प्रॉफिट कहता है कि 3,80,000 का अमाउंट है, 380 का अमाउंट। एक्स की सैलरी को माइनस करने के बाद अमाउंट कहता है कि 3,80,000 का है। मुझे बताओ वो टोटल प्रॉफिट मुझे जानना है जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा? सर ये कौन सी बड़ी बात है, अगर इसमें से पार्टनर की कोई कोई चीजें माइनस हो चुकी है तो उसको ऐड कर लो। अब देखो ना, सैलरी सैलरी टू एक्स आप कितना दे चुके हैं, कहते हैं कि सर वो 20,000 का अमाउंट है। तो आप देखो ना, 20,000 रुपये आप इसमें क्या करना, ऐड कर देना, और फिर वो जो 4,00,000 रुपये निकल के आएगा, ये वो प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और इस प्रॉफिट को बोलेंगे हम टोटल प्रॉफिट। बच्चे आपका यही वो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो हमें आपका डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच में। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, लेकिन सर एक बार समझा दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। 3,80,000 का अमाउंट है, कहता है कि एक्स की सैलरी को माइनस करने के बाद, 3,80,000 का अमाउंट है एक्स की सैलरी को माइनस करने के बाद, एक्स क्योंकि पार्टनर है बच्चे, तो पार्टनर को जो 20,000 रुपए आप दे चुके हैं, मतलब इसमें से माइनस कर चुके, उसको ऐड कर लो, फिर कहना कि भैया टोटल प्रॉफिट जो आपका वो कितना है, 4,00,000, और ये 4,00,000 रुपए पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो मेरे बच्चे यहां पे प्रॉफिट 4,00,000 रुपए लिखूंगा, याद रखना मुझे वो प्रॉफिट लिखना है जिस प्रॉफिट को कंप्लीटली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अगर इसमें कुछ चीजें माइनस हो चुकी हैं जो पार्टनर को दिया गया है, तो उसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा पूरा प्रॉफिट निकालने के लिए। निकाल लिया, अब इसके बाद क्या करो जी, आप यहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। तो देखो अब एग्रीमेंट क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा बताओ एक्स को और वाई को, एक्स का इंटरेस्ट कहां ऐड हो जाएगा? सर उनके कैपिटल अकाउंट में। गुड, आपने सही बोला। वाई का इंटरेस्ट कहां चला जाएगा? सर वाई के कैपिटल अकाउंट में। ठीक बोला आपने बच्चे, यहां पे एक्स का इंटरेस्ट एक्स में, वाई का इंटरेस्ट वाई में। अब देखो ना 10% कह रहा है, तो 10% आपका 3,00,000 रुपए का यहां कितना हो जाएगा, 30,000। एक काम करना, यहां 10% पर एनम लिख देना, पर एनम यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट आपका है जी 10% आपका। इसका भी कुछ आगे में निकल जाएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। वाई का कितना हो जाएगा जी, 10% आपका 2,00,000 का, सर 20,000 रुपए का अमाउंट आपका। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 50,000 का अमाउंट दे दिया हमने। अब आप क्या करो जी, एग्रीमेंट के मुताबिक सैलरी भी हमें देना है। किसको देना है? सर एक्स को। तो एक्स की सैलरी एक्स के कैपिटल में जाके ऐड कर देना, और वो अमाउंट कितना बता रहा है, 20,000 रुपये। सर सैलरी तो दे दिया गया था। हाँ बच्चे, सैलरी जो 3,80,000 में माइनस हो चुका था, तभी तो मैंने 4,00,000 लिखा, तभी तो वो 20 जो माइनस हो चुका उसको ऐड किया, पूरे 4 लिखूंगा, क्योंकि 20,000 का जो सैलरी दिया गया है वो मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना ही दिखाना है। ये रूल है कि पार्टनर्स को जो भी कुछ दिया गया आप उस अकाउंट में दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। जो माइनस हो चुका तो उसको ऐड कर दिया, फिर उसको हम खर्च के रूप में यहाँ दिखा दिए।
ठीक है, और फिर जो बच गया यानी कि टू आपका बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आप ट्रांसफर कीजिए जी किसको, तो एक्स का प्रॉफिट एक्स के कैपिटल अकाउंट में और जो वाई का प्रॉफिट होगा वो वाई के कैपिटल अकाउंट में, यही काम होगा ना जी सर। हाँ तो चलो बताओ कितना बच गया बच्चे अमाउंट यहाँ पे, तो सर 4 लाख रुपए का अमाउंट था, 4 में 70 हज़ार का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ये 3 लाख 30 हज़ार रुपये का अमाउंट यहाँ निकल के आया आपका, 3 लाख 30 थाउजेंड। इस 3 लाख 30 हज़ार को कैसे डिवाइड करना है, 2:3 में, तो 5 से डिवाइड करें इंटू आपका 2, ये हो गया आपका 1,32,000 का अमाउंट, और डिवाइड बाई 2 × 3 ये आ गया आपका 1,98,000 का अमाउंट आपका, 198 आपका, एंड क्वेश्चन कंप्लीट। बात हो गई, बात खत्म हो गई बच्चे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपने प्रॉफिट को क्या किया इस तरीके से किया और काम खत्म किया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट आपका हो गया। लिख लो आप इसको, लिख लो लिख लो सर, ये तो बड़ा मजेदार टॉपिक है सर, मजेदार टॉपिक है। हाँ बच्चे हाँ, सारे टॉपिक मजेदार है बशर्ते कि समझ में आ जाए। तो मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि मैं आपको करा रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का मतलब होता है जिससे आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करें, कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, आपके बड़े आराम से सॉल्व होंगे। मैं इसको मिटाऊंगा, लिख लिया आपने सर? हाँ सर, मिटा दो मैं सर, मिटा दो हाँ जी सर, हो गया, लो फिर मैं मिटाता हूँ, लो मैं मिटा दिया, लो अब मैं आप पे 2 फूल फेंक चुका हूँ बच्चे, मैंने आप पे 2 फूल फेंक दिया, अब मैं एक पत्थर फेंकूंगा आप पे, एक पत्थर फेंकता हूँ, देखता हूँ कि आप उस पत्थर को अपने सर पे झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो। 2 सर 2, हमारा सर स्ट्रांग हो चुका है। लो फिर एग्जाम्पल नंबर 3, अब हमने क्या किया यहाँ पे, बोला इस पर नाम लिखा जी, क्या नाम लिखूँ बताओ, चलो इस पर लिखता हूँ आपका राजा, एक राजा है और एक है राम, 2 पार्टनर हमने यहाँ बना दिए, राजा और राम। कहता कि इनका जो कैपिटल अकाउंट है, इनका जो कैपिटल है जी, इनका मान लो कहता कि 5 लाख रुपए का अमाउंट है, और इनका कैपिटल कहता कि चलो 3 लाख रुपए का अमाउंट है। मैं बहुत टफ क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन। कहता है इस बार कि जो आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर आफ्टर, कहता कि राम की सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर बिफोर आपका कहता है जी यहां पे मैनेजर्स कमीशन, लो लो मैंने तो दोनों मिला दिया, मैनेजर्स कमीशन, ये क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, मैं जोश में पता नहीं क्या लिखते चला जा रहा हूं, लिखो यहां पे मैनेजर्स कमीशन आपका, मैनेजर्स कमीशन। ये कहता कि प्रॉफिट जिसमें राम की सैलरी माइनस हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ। याद रखना राम यहां पे पार्टनर है बच्चे, और मैनेजर यहां पे इंप्लॉई है। लिख देता हूं आपका, शायद आप दिमाग से निकल गया हो तो मैं बता दूं, ये इंप्लॉई है आपका। ये कहता अमाउंट जो आपका है, वो कहता है कि 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, 6 लाख का अमाउंट। फिर कहता है कि जो मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर का जो कमीशन है बच्चे, वो कमीशन कहता है आपका, वो कमीशन कहता है कि आपका सपोज दैट 50,000 का अमाउंट है, 50,000 रुपए का अमाउंट आपका है, 50,000 का कमीशन बच्चे, 50,000 का, ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ, आगे बताओ सर, आगे बताओ। तो मैनेजर का कमीशन कितना हो गया, 50,000 रुपए का अमाउंट। फिर कहता है आगे में, आगे कहता है मैं क्या लिखूं और क्या लिखूं, हाँ मैं काम करता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे जी आपका अब पार्टनरशिप डिड, कि जो पार्टनरशिप डिड है इनका, एग्रीमेंट जो इनके बीच में हुआ है, उस एग्रीमेंट में आखिर क्या क्या बातें की गई हैं। कहता है कि देखो जी पार्टनरशिप डिड के मुताबिक इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, मान लो यहाँ पे कहता जी 5% आपका होगा पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। फिर कहता कि मान लो यहां पे हमें क्या करना जी, सैलरी हमें देनी है, और सैलरी कहता है कि राजा को भी देनी है और राम को भी देनी है। मैं तो बड़ा टफ क्वेश्चन बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कहता कि 60,000 सैलरी इनको देना है और 40,000 सैलरी हमें क्या करना है, इनको देना है, राजा और राम को आपका, ठीक है ना। और फिर कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो होगा,
प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो रेशियो कहता है कि मान लो 1:1 के रेशियो में होगा, इक्वली आपका। बोलता है कि प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलता बताओ आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे। बोलता बताओ प्रॉफिट का आप यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। आप इसकी पहले कॉपी कर लो। कैपिटल बता रहा जी, प्रॉफिट आपको बता रहा आपका राम की सैलरी को माइनस करने के बाद, लेकिन कमीशन को कहता है कि पहले आपका कमीशन बता रहा अमाउंट कुछ इस तरीके का आपका। लिख लिया आप लोगों ने सर? हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया हमने। तो आओ जरा मैं रेडी करता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन। प्रॉफिट कितना बता रहा जी, 6 लाख अमाउंट है। मैंने यहाँ रेडी किया सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन रेडी कर रहा हूँ। तो आपने बनाया मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका। आप बना रहे हैं मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो मैंने रख दिया आपके सामने आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रख दिया मैंने जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे बच्चे मुझे पहले उस प्रॉफिट को यहां पे पता करना है जिस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। ये एप्रोप्रिएशन है, मुझे उस प्रॉफिट को जानना ही पड़ेगा जिसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। मुझे बताओ क्या वो प्रॉफिट 6 लाख रुपए का अमाउंट है? नहीं सर, नहीं, 6 लाख अमाउंट नहीं है, क्योंकि 6 लाख में कहता है कि अभी तक इंप्लॉई का जो कमीशन है वो माइनस ही नहीं हुआ है। वो कहता है कि इंप्लॉई का जो कमीशन है उसको आपने माइनस ही नहीं किया है। अच्छा, तो इंप्लॉई तो हमारा जी एक इसका कमीशन तो एक्सपेंस माना जाएगा, कहता है कि वो माइनस नहीं हुआ है, लेकिन आपने राम की सैलरी माइनस कर दी है। राम जो पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी आपने माइनस कर दी है। तो मेरे बच्चे मुझे पहले क्या करना होगा, इस प्रॉफिट को जानना होगा। आप एक काम करना, आप यहाँ पे 8 से 9 लाइन 10 लाइन जगह छोड़ दो, 10 लाइन जगह कम से कम आपका, जितना जगह आपने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। और फिर मेरे साथ बनाइए वर्किंग नोट्स आपका। नंबर वन मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस प्रॉफिट को आपको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, यानी कि जिस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे जी, पता करेंगे। तो देखो, एक तो पहले आपको कहता है कि ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये कहता है कि आफ्टर क्या माइनस हो चुका जी, राम की सैलरी। कहता है कि राम की सैलरी इसमें से माइनस हो चुकी है, लेकिन कहता है कि बिफोर नहीं माइनस हुआ अभी तक। क्या जी, मैनेजर यानी कि एम्प्लॉय का कमीशन, मैनेजर जो कमीशन आपका है वो कहता है कि अभी इसमें माइनस नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चे ये अमाउंट कितना बता रहा जी, सर 6 लाख अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे, 6 लाख अमाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, 6 लाख अमाउंट हमारे पास है। अब देखो 6 लाख रुपए में हमें क्या करना है जी, एक तो पहले एक काम करो, अगर कोई आपको एक्सपेंस दिख रहा है जिस एक्सपेंस को अभी तक आपने माइनस नहीं किया, तो पहले उस एक्सपेंस को माइनस करो। सर हाँ, दिखा तो हमें मैनेजर कमीशन, कहता है कि बिफोर का मतलब क्या, अभी तक इसको माइनस नहीं किया गया है, तो माइनस करो, क्योंकि कमीशन तो जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और हमें वो अमाउंट निकालना जो हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना है। तो आप एक काम करो, इसमें से क्या करो, माइनस कर दो आप यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन आपका। आप यहाँ पे क्या करो जी, मैनेजर्स कमीशन को आप यहाँ माइनस करो। चला बताओ कमीशन कितना है, ये देखो यहाँ बच्चे, ये 50,000 का अमाउंट। ठीक है सर, दिख गया, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा माफ़ करो, मुझे लगा कि आप शायद कहीं और ध्यान भटका दिए, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो इस 50 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। इसके बाद कहता है कि आपने इस प्रॉफिट में राम की सैलरी माइनस कर दी। राम मेरे बच्चे पार्टनर है, पार्टनर को जो भी कुछ देना है उसको हमें यहाँ पर दिखाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक काम करो, अगर माइनस हो चुका है पार्टनर का कुछ भी, तो आप यहां पे ऐड बैक करो। राम की जो सैलरी है आप यहां पे क्या करो, ऐड करो। जरा बताओ राम की सैलरी कितनी है, राम की सैलरी 60,000। एक बार बताओ क्या, सॉरी 60 कितना जी, 40,000। आप बताओ क्या मैं यहां पे राजा की भी सैलरी को ऐड कर दूं? नहीं सर, नहीं, ये नहीं कह रहा कि राजा की सैलरी यहां पे माइनस हुई है, बट मतलब राजा की सैलरी माइनस नहीं हुई है, राजा की अभी माइनस नहीं हुए। किसकी माइनस हुई है जी, राम की। तो राम का हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब निकल के आ गया वो प्रॉफिट जो टोटल है, जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और वो कितना निकल के आ गया,
तो सर वो आ गया 5,90,000 रुपये का अमाउंट आपका, 590 का अमाउंट, ये आ गया 590 का अमाउंट, 590, ये कैसे लिख दिया आपने, ये लो 590, ठीक है बच्चे, दिख रहा ना सर, हाँ जी 590 का अमाउंट। तो बात खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे जी, ये 590 को यहाँ लिखेंगे जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अब एग्रीमेंट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करो, एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट देना है जी ऑन कैपिटल आपका। आप चेक करो इंटरेस्ट राजा को मिलेगा, राजा का इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, राजा के कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, और जो राम को इंटरेस्ट मिलेगा वो राम के कैपिटल में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर, हाँ जी। तो देखो ना 5% बता रहा है, जरा बताओ 5,00,000 का 5% कितना होता है सर, 25,000, गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। 3,00,000 का 5% कितना होता है सर, 15,000, बिल्कुल सही बताया बच्चे। टोटल कितना हो गया, 40,000 का अमाउंट, 40 हो गया, यही हुआ ना सर, हाँ। अच्छा मुझे बताओ अब हमें क्या देना है, सैलरी भी देना है, तो लीजिए जो सैलरी हमें इनको देना है वो इनके अकाउंट में ऐड कर देते हैं जी। तो राजा को जो सैलरी हमें पे करना है वो राजा के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, और जो राम को सैलरी मिलना है वो राम के कैपिटल में जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, राजा का 60, राम का 40, आपने 60 यहाँ लिखा और यहाँ लिखा 40,000 का अमाउंट, जरा बताओ टोटल कितना हो गया सर, 1,00,000 का अमाउंट आपका। कितने आप अच्छे कैलकुलेशन करते हो, कितना फास्ट, मुझे तो इतना फास्ट कैलकुलेशन करना नहीं आता बच्चे, बस मुझे सिर्फ अकाउंट्स आता है बस, और मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता, ड्राइंग में देखा था कि ड्राइंग भी मुझे नहीं आता। चलो कोई बात नहीं सर, अकाउंट्स तो जानते हो, अकाउंट्स ही पढ़ा दो, अकाउंट्स ही तो पढ़ना है मुझे आपसे, तो ठीक है, ठीक है बच्चे। अब मैं इसको मिटाऊंगा, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं, मेरे पास जगह की कमी है, आप मेरी मजबूरी समझो, मुझे आगे लिखना है बट आपके पास जगह, मैंने कहा था खूब सारा जगह छोड़ना, टेंशन की बात थोड़े, मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा दूं मैं इसको, मिटा दूं, अरे मिटाऊं सर, हाँ जी सर मिटा दो। लो फिर मैंने मिटा दिया, लो मैंने इसको मिटा दिया, और अब मैं मिटाने के बाद अब करूंगा जी यहाँ पे आगे की बातें, बोलना है आपने कि जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया, बैलेंस प्रॉफिट जो बच गया वो कहते हैं ट्रांसफर टू, आपने ट्रांसफर करना है एक तो राजा के कैपिटल अकाउंट में और एक आपके राम के कैपिटल अकाउंट में, राम के कैपिटल अकाउंट में। जरा बताओ कितना बच गया सर, 5,90,000 का प्रॉफिट था जो पार्टनर्स में डिवाइड करना था, 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर चुके हैं, तो सर 450 का अमाउंट बच गया, 4,50,000 रुपये। अब ये 4,50,000 रुपये का रेशियो क्या बता रहा, इक्वली, तो बच्चे 2,25,000 यहाँ चला गया एंड 2,25,000 आपका यहाँ चला गया और काम हमारा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। कुछ बात समझ में आ रही है सर, हाँ जी सर समझ में आ रही है सर। तो ठीक है बच्चे, आज मैंने क्या किया आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, आज हमने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप यहाँ तो कॉपी कर लो फिर मैं आगे की बातें करता हूँ। हो गया कॉपी आपका बच्चों, कॉपी हो गया सर, हाँ जी सर यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। तो ठीक है मेरी बात सुनो, आज मैं क्लास को यहीं रोकूंगा बच्चे, मैंने आपको बहुत कोशिश किया स्ट्रॉन्ग करने का, और आप कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं ये फील हो जाएगा आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में जो क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन आपको आता है, ऑलमोस्ट आता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी होगी, प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा, जब मैं आपको बोलूंगा कि ये घर से क्वेश्चन करना है तभी क्वेश्चन घर से करना है, अगर मैंने आपको नहीं बोला तो फिर आपको नहीं करना, फिर आपको क्या करना कि जो मैं आज पढ़ा के जा रहा हूँ यानी कि जिस क्लास को पढ़ा के मैं जाऊँगा उसी क्लास का आपको अगली क्लास में रिविजन करके आता है, बस इतना काम करो। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपको क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, और एक बार नहीं सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब भी रिविजन करना होगा वीडियो को आप पीछे लेके जाएं, उसको आप फिर से रिवर्स करें, रिवाइंड करें और फिर से आपको देख लें, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होएंगे आपके, ये पक्का है। चलिए अगली क्लास में मिलूंगा और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज देखो, आज तो हमारे पास पार्टनरशिप डीड था, हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है बच्चे कि भैया प्रॉफिट हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अगर मान लो हमारे बीच में एग्रीमेंट ना रहे, अगर हमने बिना एग्रीमेंट के काम करना शुरू किया और बाद में अगर मान लो हमारे बीच में झगड़े हो गए और उस झगड़े के केस में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इस बात को लेकर अगर हमारे बीच में झगड़ा हो तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, हम सीखेंगे आपके साथ अगली क्लास में। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना, आज हमने जो समझाया उसको आप दिमाग में लेकर चलिए, अगली क्लास में मिलूंगा इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे, ऑल द बेस्ट, मस्ती कीजिए लेकिन अगले क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए। चलिए बाय बाय।